विंस मैकमैन ने WWE को बेच दिया है। एंडेवर ने यह कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने WWE को खरीद लिया है। WWE का 51% हिस्सा एंडेवर के पास है, वही WWE के पास अब 49% शेयर रहेगा। एंडेवर ने यह भी कंफर्म किया कि WWE के साथ पूरा एग्रीमेंट $9.3 बिलियन का हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि एंडेवर वही कंपनी है जिसके पास UFC की कमान है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस साल समर स्लैम से पहले अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप अलग हो सकती है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग रॉ एंड स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को अलग करने की बातचीत हफ्तों से हो रही है। समर स्लैम से पहले टैग टीम टाइटल्स अलग हो सकते हैं। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक की ओर। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के फिनिश को लेकर बनाए गए ओरिजिनल प्लान का खुलासा हुआ है। फाइटफुल सिलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्लान के मुताबिक रोमन रेंस ही टाइटल रिटेन करने वाले थे। कुछ हफ्ते पहले ही इस मैच का विनर तय कर दिया गया था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी गई थी। बैकस्टेज बहुत लोगों को लगा था कि रोमन रेंस हारेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा कि मैच में द उसोस, केविन ओन, सेमी ज़ेन एंड सोलो सिकोवा ने इंटरफेरेंस किया था। ये चीज़ें भी किसी को नहीं बताई गई थी। यहाँ तक कि सुपरस्टार्स और रेफरी को भी ये चीज़ें पता नहीं थी। शो शुरू होने से पहले ही ये बात बताई गई। तो इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आपसे देखने के लिए धन्यवाद।